Hi I am Rekha Mishra presenting before you class 12th geography book 2 chapter number 4 name of the lesson is human settlements human settlement means cluster of dwellings of any type or size where human beings live the process of settlement inherently involves grouping of people and approaching of territory as their resource base तो आज हम क्लास ट्वेल्व जोग्राफ़ी की दूसरी किताब इंडिया एंड द पीपल का चैप्टर नंबर फोर ह्यूमन सेटलमेंट पढ़ेंगे या मानव बस्तियाँ पढ़ेंगे तो मानव बस्तियों का मतलब होता है वो छोटे छोटे रहवास जो मनुष्य अपने रहने के लिए चुनता है तो मनुष्य विभिन्न प्रकार की बस्तियों में अपने आप को बसाता है और एक निश्चित स्थान पर विभिन्न आकार प्रकार के घरों में रहता है सेटलमेंट्स रेंज फ्रॉम हेमलेट टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज तो जो सेटलमेंट्स होते हैं ये छोटे छोटे इक्के दुक्के घरों से लेकर बड़े बड़े शहरों तक के हो सकते हैं दसपास लोकेटेड स्मॉल सेटलमेंट्स आर कॉल्ड विलेज स्पेशलाइजिंग इन एग्रीकल्चर और अदर प्राइमरी एक्टिविटीज़ अर्बन सेटलमेंट्स आर स्पेशलाइज्ड इन सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज़ तो जो सबसे छोटी इकाई हमारी रहवास की होती है ये गाँव होती है और ये जो गाँव होते हैं या देहात जिसको कहते हैं ये बेसिकली या तो कृषि प्रधान होते हैं या इनमें अन्य प्राथमिक क्रियाएँ की जाती है जो शहरी बस्तियाँ होती हैं ये बेसिकली सेकेंडरी या द्वितीयक और तृतीयक व्यवसायों में संलग्न होती दिस फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट टेक्स प्लेस थ्रू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट डिफर इन टर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप एटीट्यूड एंड आउटलुक तो जो गांव और शहरों की बस्तियां होती हैं इनके बीच में जो संबंध बनाया जाता है जो रिलेशन होता है वो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन नेटवर्क के द्वारा बनाया जाता है मतलब गांव से शहरों में गा, सवा गाड़ियां आती हैं जाती हैं या इसी तरह से मोबाइल के जरिए इंटरनेट के ज़रिए रेडियो के ज़रिए न्यूज़पेपर्स के जरिए टेलीविजन्स के जरिए शहर और गाँवों में अंतर संबंध स्थापित किया जाता है तो ये जो ग्रामीण और शहरी बस्तियाँ होती हैं ये अपने सामाजिक रिलेशनशिप में मतलब जो सामाजिक संबंध होते हैं आपस में लोगों के उनमें दृष्टिकोण में और उनके रहन सहन और देखने के तरीके पर जीवन जीने के तरीके में अंतर उत्पन्न करती है नाउ टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट या ग्रामीण बस्तियों के प्रकार तो द टाइप्स ऑफ सेटलमेंट आर डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंट ऑफ द बिल्टअप एरिया एंड इंटर हाउस डिस्टेंस मतलब जो सेटलमेंट या बस्तियाँ होती हैं इनका जो प्रकार होता है वो निर्धारित होता है कि दो घरों के बीच में दूरी कितनी है और घर कितने एरिया में या कितनी ज़मीन पर कितने क्षेत्रफल में बनाए गए हैं देर आर वेरियस फैक्टर्स एंड कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स तो जो ग्रामीण बस्तियाँ होती हैं उनके बसने में बहुत सारे कारक और परिस्थितियाँ प्रभाव डालती है डीज फैक्टर्स इंक्लूड फिजिकल फीचर तो जो बस तथ्य बस्तियों के प्रकार प्रभाव डालते हैं उनमें पहला फिजिकल फीचर है दूसरा कल्चरल फीचर और तीसरा सिक्योरिटी फीचर तो फिजिकल फीचर मतलब वहाँ की भूमि कैसी है ज़मीन कैसी है पहाड़ी क्षेत्र है कि मैदानी क्षेत्र है क्लाइमेट कैसा है बहुत गर्म है बहुत ठंडा है या प्लेजेंट क्लाइमेट है और पानी की उपलब्धता कैसी है ये चारों फैक्टर बस्तियों के निर्माण पर प्रभाव डालते हैं दूसरा है कल्चरल एंड एथनिक फैक्टर्स जो सांस्कृतिक और सामाजिक हमारे कारक होते हैं जैसे सोशल स्ट्रक्चर कैसा है वहाँ की सामाजिक संरचना कैसी है कास्ट और रिलीजन की क्या कंडीशन है किस कास्ट के किस रिलीजन के लोग रहते हैं देन सिक्योरिटी फैक्टर्स वहाँ सुरक्षा से संबंधित कौन से तथ्य पाए जाते हैं जैसे चोरी डकैती से बचाव हो सकता है या प्राकृतिक आपदाओं से बचाव है इस तरह का यदि वहाँ बचाव की सुविधाएं हैं तो वहाँ के सेटलमेंट कर असर डालेगा नाउ रूरल सेटलमेंट्स इन इंडिया कैन ब्रॉडली भी पुट इन टू फोर टाइप्स जो भारत की ग्रामीण बस्तियाँ हैं उनको मोटे तौर पर हम चार भागों में बांट सकते हैं अब ये चार भाग कौन से हैं तो पहला है क्लस्टर्ड एग्लोमेरेटेड और न्यूक्लिएटेड दूसरा है सेमी क्लस्टर्ड तीसरा हेमलेटेड और चौथा डिस्पर्स तो क्लस्टर्ड मतलब द सेट रूट सेटलमेंट इज़ कॉम्पैक्ट और क्लोजली अप एरिया ऑफ हाउसेज सेटलमेंट्स आर जनरली फाउंड फर्टाइल एलुवियन प्लेन्स एंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तो क्लस्टर्ड सेटलमेंट का मतलब एक एक तरह से ये कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होते हैं एक जगह बहुत जो बिल्ट एरिया होता है घर एक दूसरे से बहुत सटे हुए होते हैं और ये ऐसे क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है जैसे कि उत्तरी भारत के जलोढ़ मैदान या उत्तरी पूर्वी राज्यों के इलाके यहाँ पर जो बस्तियाँ होती हैं उनमें घर बहुत नज़दीक बनाए जाते हैं देन सेकेंड इज सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट वन और मोर सेक्शंस ऑफ द विलेज सोसाइटी चूज और इज फोर्स टू लीव ए लिटिल अवे फ्रॉम द मेन क्लस्टर और सेटलमेंट्स आर वाइड स्प्रेड इन द गुजरात प्लेन्स एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान तो सेमी क्लस्टर मतलब जो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होते इनमें क्या होता है कि जातियों के हिसाब से या कम्युनिटी के हिसाब से लोग एक जगह रहते हैं और कुछ विशिष्ट लोगों को विशिष्ट कम्युनिटी uh, के लोगों को एक सेपरेट इलाका दे दिया जाता है जहां वो घर बनाकर रहते हैं तो बेसिकली जो सेमी क्लस्टर्ड होता है इसमें डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो है वो अलग अलग तरीकों से अलग अलग जगह पर रहते हैं देन नेक्स्ट इज हेमलेटेड सेटलमेंट द सेटलमेंट इज़ फ्रेगमेंटेड इंटू सेवरल यूनिट्स फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बियरिंग अ कॉमन नेम दिस यूनिट्स आर लोकली कॉल्ड पन्ना पारा पाली नागला धानी एक्सेट्रा तो ये छोटी छोटी झुग्गियाँ होती हैं छोटे छोटे गाँव में बस्तियों के कुछ घरों के छोटे छोटे समूह होते हैं जो पर्टिकुलर इलाके में रहते हैं और ये एक दूसरे से फिजिकल फीचर्स के द्वारा सेपरेटेड होते हैं नेक्स्ट इज डिस्पर्स सेटलमेंट डिस्पर्स और आइसोलेटेड सेटलमेंट पैटर्न इन इंडिया अपियर्स इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड हट और हेमलेट्स ऑफ फ्यू हट्स इन रिमोट जंगल और ऑन स्मॉल हिल्स विथ फार्म्स और पोस्चर ऑन द फ्लोर तो ये बिखरी हुई जो बस्तियाँ होती हैं या छोटी छोटी झुग्गियाँ होती हैं ये बेसिकली जंगलों में या पहाड़ी ढालों पर खेतों या चारागाहों के समीप पाई जाती है नाओ द नेक्स्ट टॉपिक इज अर्बन सेटलमेंट अर्बन सेटलमेंट आर जनरली कॉम्पैक्ट एंड लार्जर इन साइज तो जो शहरी बस्तियाँ होती हैं जनरली ये बहुत घनी होती है और आकार में बड़ी होती है दे आर एंगेज इन अ वेराइटी ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन तो बेसिकली गांव की जो बस्तियाँ होती हैं वो खेती और प्राइमरी एक्टिविटीज़ में लगी होती है जो शहरों की बस्तियाँ होती हैं ये मुख्य रूप से गैर कृषि कार्यों में लगी होती है स्पेशली आर्थिक कार्यों में और प्रशासनिक कार्यों में ज़्यादा लगे होते हैं सिटीज़ आर कनेक्टेड डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली विद द विलेजेस एंड आल्सो विद ईच अदर तो ये जो शहरी बस्तियाँ होती हैं ये डायरेक्ट रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से, से गाँव से जुड़ी होती है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के द्वारा और इसी तरह से ये शहर आपस में भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया टाउन्स फ्लरिश सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम इन इंडिया इवन एट द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन टाउन्स लाइक हड़प्पा एंड मोहन जोधाड़ोवेर इन एग्जिस्टेंस तो हमारा जो शहरी कल्चर है शहरों का जो बसाहट है ये प्रागैतिहासिक काल से पाया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता जो विश्व की सबसे पहली सभ्यताओं में गिनी जाती है उस सभ्यता में भी हड़प्पा मोहन जोदड़ो जैसे बड़े शहर मौजूद थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशन इन डिफरेंट पीरियड्स ह्यूमन इंडियन टाउन्स में बी क्लासिफाइड एज एशियन टाउन मेडिवल टाउन्स एंड मॉडर्न टाउन्स तो इन शहरों का उद्भव कब कब हुआ इसके आधार पर भारतीय शहरों को तीन भागों में बाँटा गया है पहला है एंशियन टाउन या प्राचीन शहर दूसरा मेडिवल टाउन या मध्यकालीन शहर और तीसरा मॉडर्न टाइम टाउंस या आधुनिक शहर सो एंशियन टाउन्स डेवलप्ड एज रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर जो प्राचीन शहर हैं जैसे वाराणसी है मथुरा है काशी है वृंदावन है या इस तरह के जो शहर हैं जो पुराने हैं ये बेसिकली धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए थे द सेकेंड इज मेडिबल टाउन्स या मध्यकालीन जो शहर हैं दीज आर फोर टाउन्स विच केम अप ऑन द रूंस ऑफ एंशियन टाउन्स तो मध्यकालीन शहर बेसिकली किले वाले शहर है जो पुराने शहरों के ध्वस्त होने पर मध्यकालीन शासकों द्वारा किले के रूप में विकसित किए गए थे एंड थर्ड इज़ मॉडर्न टाउन द ब्रिटिश एंड अदर यूरोपियंस हैव डेवलप्ड अ नंबर ऑफ टाउन्स इन इंडिया स्टार्टिंग देयर फूट फुट होल्ड ऑन कोस्टल लोकेशंस दे फर्स्ट डेवलप सम ट्रेडिंग पोर्ट्स तो आधुनिक जो शहर है ये बेसिकली हमारे यहाँ अंग्रेजों और अन्य यूरोपीय व्यापारियों द्वारा बसाए गए थे और इनकी शुरुआत हुई थी तटीय क्षेत्रों से जहां ये व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित किए गए थे ब्रिटिश लेटर कंसोलिडेटेड देयर होल्ड अराउंड द थ्री प्रिंसिपल नोट्स मुंबई और बॉम्बे चेन्नई और मद्रास एंड कोलकाता या कैलका एंड बिल्ड देम इन द ब्रिटिश थाई तो अंग्रेजों ने बेसिकली पोर्ट टाउन स्थापित किए थे बंदरगाह नगर बनाए थे लेकिन कालांतर में उन्होंने तीन शहरों पर फोकस किया वो तीन शहर थे पुराना बम्बई या आज का मुंबई पुराना मद्रास या आज का चेन्नई और पुराना कलकत्ता या आज का कोलकाता और इन तीनों शहरों को उन्होंने ब्रिटिश स्टाइल में इन तीनों शहरों का निर्माण करवाया टाउन टाउन्स बेस्ड ऑन मॉडर्न इंडस्ट्रीज ऑल्सो इवॉल्व आफ्टर एटीन इसी तरह से जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई उद्योगों की शुरुआत हुई तो बड़े पैमाने पर 1850 के बाद इंडस्ट्रियल टाउन्स का डेवलपमेंट शुरू हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस लार्ज नंबर ऑफ टाउन्स हैव बीन डेवलप्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स सम ओल्ड टाउन्स ऑल्सो डेवलप है सेटेलाइट टाउन अराउंड मेट्रोपोलिटन सिटीज तो स्वतंत्रता के बाद बड़े पैमाने पर बहुत से शहरों का विकास प्रशासनिक केंद्रों के रूप में या मुख्यालयों के रूप में हुआ जैसे कि चंडीगढ़ है या हमारे राज्यों की जो राजधानियां हैं ये सभी एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स के रूप में विकसित हुई और इनके साथ ही साथ बड़े शहरों के आसपास छोटे शहर भी डेवलप होते चले गए अर्बनाइजेशन इन इंडिया या भारत में शहरीकरण द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन तो जो हम शहरीकरण का स्तर निकालते हैं शहरीकरण की क्या स्थिति है कितना दर है ये हम कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या के प्रतिशत से निकालते हैं टोटल अर्बन पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज इलेवन फोल्ड ड्यूरिंग द ट्वेंटी एट सेंचुरी तो भारतीय यदि हम भारतीय परिवेश में देखें तो जो शहरी जनसंख्या थी ये ग्यारह गुनी बढ़ गई है वो भी स्वतंत्रता के बाद लेकिन पिछले दो दशकों में जो शहरीकरण की दर है इनमें धीरे धीरे गिरावट आने लगी नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज तो शहरों को बांटने का दूसरा आधार उनकी जनसंख्या का आकार है कि वहाँ कितनी जनसंख्या रहती है इस हिसाब से शहरों को कई क्षेत्रों में बांटा गया है सेंसिस ऑफ इंडिया क्लासीफाइज अर्बन सेंटर्स इंटू सिक्स क्लासेस मेजोरिटी ऑफ मेट्रोपोलिटन मेगा सिटीज़ आर अरबन एन अर्बन एग्लोमेशन में कंसिस्ट ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग थ्री कम्बिनेशनस फर्स्ट अ टाउन एंड इट्स एडजॉइनिंग अर्बन आउट मतलब जो अर्बन एग्लोम्रेशन होता है इसमें कई तरह के शहर जुड़े होते हैं जैसे शहर और उसके आसपास के जो देहाती इलाके हैं वो हो गया या टू और मोर कंटीज़ टाउन विद और विदाउट दियर आउट या yeah, दो बड़े शहर मिल यदि आपस में जुड़ जाते हैं तो वह अर्बन एग्लोमेशन हो जाता है या अ सिटी एंड वन और मोर एजॉइनिंग टाउन्स विद देयर आउट टुगेदर फॉर्मिंग ए कंटीज स्प्रेड या कुछ शहर और उनके निकटवर्ती ग्रामीण इलाके मिलकर एक बड़ा सा शहरी एरिया बना लेते हैं ग्रेटर मुंबई इज़ द लार्जेस्ट एग्लोमरेशन विथ एटीन पॉइंट फोर मिलियन पीपल हमारा जो वृहद मुंबई है ये भारत का सबसे बड़ा एग्लोमेशन है सबसे बड़ा शहर है ये देन द नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स अर्थात कार्यों के आधार पर शहरों का वर्गीकरण द फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स एंड सिटीज़ दीज आर द टाउन्स सपोर्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ हायर ऑर्डर तो एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक शहर मतलब वो शहर जो प्रशासन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है या जहाँ से प्रशासन नियंत्रित होता है सेकेंड इज इंडस्ट्रियल टाउन दिस कंस्टिट्यूट प्राइम मोटिव फोर्स ऑफ द इंडस्ट्रीज तो जो औद्योगिक शहर होते हैं या सबसे मेन इनके विकास का कारण उद्योगों का विकास होता है थर्ड इज़ ट्रांसपोर्ट सिटीज़ दे मे बी पोर्ट्स प्राइमरली एंगेज इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एक्टिविटीज़ तो ट्रांसपोर्ट सिटी जो होती है बेसिकली ये बंदरगाह वाले शहर होते हैं जहाँ से आयात और निर्यात किया जाता है देन नेक्स्ट इज़ कॉमर्शियल टाउन व्यापारिक शहर जिनको कहते हैं टाउन्स एंड सिटीज़ स्पेशलाइजिंग इन ट्रेड एंड कॉमर्स तो वे शहर जो बड़े पैमाने पर वाणिज्य और व्यापार में लगे होते उन्हें हम कॉमर्शियल टाउन कहते हैं देन माइनिंग टाउन दीज टाउन्स हैव डेवलप्ड इन मिनरल रिच एरियाज माइनिंग टाउन मतलब वह शहर जहाँ खनन के कारण शहर का विकास हुआ है देन गैरिजन और कैंटोनमेंट टाउन्स दीज टाउन्स एम एज जैसे गैरिजन टाउन जो हमारे सैनिक छावनियाँ होती है सेना के जो इलाके होते हैं उनको गैरिजन या कैंटोनमेंट टाउन कहा जाता है देन एजुकेशनल टाउन्स दे स्टार्टेड एज अ सेंटर ऑफ एजुकेशन तो जो शिक्षा के लिहाज से शहर डेवलप हुए हैं उन्हें हम शैक्षिक शहर कहते हैं जैसे पुराने समय में नालंदा था तक्षशिला था ये शैक्षिक शहर माने जाते थे देन रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन्स ड्यू टू दर रिलीजियस कल्चरल सिग्निफिकेंस दे डेवलप तो जो शहर धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र होते हैं शहर ये अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण विकसित होते हैं एंड द लास्ट इज़ टूरिस्ट टाउन दे हैव अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो जो पर्यटन स्थल होते हैं पर्यटन वाले शहर होते हैं ये मुख्य रूप से पर्यटन के कारण विकसित होते हैं तो इतने प्रकार के शहर हमारे यहाँ पाए जाते हैं द सिटीज़ आर नॉट स्टेटिक इन देयर फंक्शन अब इसमें सबसे खासियत है कि ज़रूरी नहीं जो टूरिस्ट टूरिस्ट टाउन हो वो हमेशा टूरिस्ट टाउन ही रहे जो कॉमर्शियल टाउन है वो हमेशा कॉमर्शियल रहे इट मे डेवलप एज एजुकेशन सेंटर इट मे डेवलप एज अ एनी अदर फंक्शनल सेंटर तो ये इनके जो काम है वो स्थिर नहीं होते हैं इनमें हमेशा बदलाव होते रहता है द फंक्शन चेंज ड्यू टू देअर डायनमिक नेचर चूंकि शहर बढ़ते रहते हैं विकसित होते रहते हैं तो इसलिए शहरों के कार्य बदलते रहते इवन स्पेशाइज सिटीज एज दे ग्रो इन टू मेट्रोपोलिस बिकम मल्टीफंक्शनल यहाँ तक कि जो पर्टिकुलर शहर किसी एक कारण से विकसित हुए थे जैसे कोई एजुकेशनल सेंटर है हो सकता है धीरे धीरे वो बड़े शहर में बदल के बहुत सारे और कार्य भी करने लगे कोई कॉमर्शियल टाउन है वो और भी कई तरह के शहरों में बदल जाए द फंक्शंस गेट सो इंटरविन्ड दैट द सिटी कै नॉट बी कैटगराइज इन ए पर्टिकुलर फंक्शनल क्लास तो जब शहर बहुत बढ़ जाते हैं तो उनमें कार्यों की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि हम उसे किसी एक कैटेगरी में नहीं रह सकते तो जितने भी ये सेटलमेंट्स होते हैं ये परिस्थिति के हिसाब से समय के हिसाब से लोगों की ज़रूरत के हिसाब से और विकास की दर के हिसाब से बदलते रहते तो आज के लिए बस इतना ही बहुत बहुत